हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू की है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही हमारा जो इस समय पैटर्न चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे निरसंग ज्यामिति में एक ऐसा सवाल जो हर बार पूछा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस फार्मूले पर नहीं सवाल पूछे गए हैं। तो वीडियो आज आखिर तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको चार नंबर का मिलेगा बच्चा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। और क्या फार्मूला है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इस बार आने वाला है, तो इसी चीज़ को देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। शुभम क्लासेस आपको बोर्ड एग्जाम तक ज़बरदस्त हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निशान, ठीक है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निशान। अगर सारे वीडियो आपको अच्छे से देखने हैं तो शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके, और वहां से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन करके आप एप्लीकेशन में फ्री वीडियो पूरा देख सकते हैं, चैप्टर वाइज और क्या है, सिक्वेंस वाइज है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निशांक x1, y1 है, एक त्रिभुज शीर्ष बी के निशांक x2, y2 है, इसके निशांक x3, y3 है। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, क्या होगा और यहाँ से सवाल क्या बनते हैं। चार नंबर का बच्चा एकदम तैयार कर लीजिए। आज मात्र एक लेक्चर और चार नंबर फिक्स। 70 में इस चार नंबर को आप निकाल लीजिए, अभी आपको 66 नंबर मिलते हैं। चार नंबर एकदम फिक्स है। इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, या एरिया ऐसे भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ एबीसी, क्लियर हुआ, ये ज़्यादा सही है। एआर मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वन त्रिभुज एबीसी का। तो फार्मूला होता है, पहले 1/2 लिख लीजिए, देखिएगा क्या होगा। कोई भी चीज़ जो शुरुआत होता है वन से होता है, तो वन से यहाँ पर कर लेते हैं x1 के बाद y2 - y3, ठीक है, 1, 2, 3। ध्यान दीजिए, x1 के बाद अगर कहीं पे भी x1 आया तो x1 के बाद तुरंत x2 आएगा, अगर x2 कहीं पे आ गया तो x2 के बाद x3 आएगा, क्लियर हुआ। अगर कहीं पे y1 आ गया तो उसके बाद जस्ट अगला टर्म y2 आएगा, y2 आ गया तो y2 के बाद y3 आएगा, y3 के बाद y1 आएगा। देखिएगा, x1 यहाँ पे, x1 के बाद क्या आ जाएगा, x2, y2 के बाद क्या बच्चा, ये सिक्वेंस में चलता है। दोस्तों, अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल के भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट में मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहां पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021-22-2023 जिस भी ईयर में JEE मेंस से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो, आपके लिए बैचेस चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो, shubham@12 यूज करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। x1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1, ठीक है। अब y2 के बाद क्या आएगा, y3, और y3 के बाद क्या आएगा बच्चा, ये याद करने का ट्रिक है। x2 के बाद क्या आएगा, x3, y3 के बाद जस्ट क्या आएगा, y3 के बाद जस्ट y1, ठीक है। फार्मूले में यानी अगर आपने पहला टर्म लिख दिया सही से, अब y1 के बाद क्या आ जाएगा, तो बाकी सारे टर्म आप क्या हैं लिख लेंगे, यानी अच्छा। बहुत बच्चे इतने जल्दीबाजी में होते हैं कि 1/2 छोड़ देते हैं, ठीक है, और 1/2 जैसे छोड़ेंगे आपका आंसर गलत हुआ, और नंबर एग्जाम काटे में जरा भी शर्माएगा नहीं, ठीक है, उसको जरा भी हाथ कांपेगा नहीं, ठीक है, नंबर काटने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उनको चांस न दी। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक जरूर पहुंचाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ठीक है, और पता नहीं बच्चे कहाँ पर इस समय खोए हुए हैं, शायद प्रैक्टिकल चल रहा है क्या,
टेंथ क्लास के बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है क्या? जरा कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ पे, किस किस जिले में प्रैक्टिकल चल रहा है। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्या। व्यू काफ़ी, व्यू की बात नहीं करते हैं, या कह सकते हैं कि बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स से लगे, थोड़ा गैप कम है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 101। इशारे नंबर होंगे जैसे 2.5 होगा, 3.7, -2.5, इस तरह से, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल एक नंबर होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। मिनिमम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है वो 0 हो सकता है, वो भी कब, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो उस पर भी, जब ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिनकी शीर्षों की निशान, त्रिभुज में बच्चा तीन चीज़ें होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होता है। ये शीर्ष है, ठीक ना, वर्टिसेस इंग्लिश बोलते हैं ये, ठीक है, टोपा टोपा जो है, तीन टोपे हैं यहाँ पे, क्लियर हुआ। तीन भुजाएं और तीन कोण होता है, क्लियर हुआ। तो कोण की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शीर्षों के निशान की बात है, कोऑर्डिनेट की बात है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन क्या निशांक ज्यामिति का सूत्र का प्रयोग करते हुए, क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसी का ये क्षेत्रफल बताना है मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात क्या है कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं बता दे रहा हूँ पहले, ये पहली बात तो फार्मूला पूरा तैयार होना चाहिए। देखिए इस तरह के सवालों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 y1 इसको मेंशन करना पड़ेगा, x1 y1 इसको आप मेंशन कर दीजिए, x2 y2, ठीक है, और यहाँ पे इसके सर्प लगा दीजिए x3 y3। कोई ज़रूरी नहीं है आप x1 y1 इसको x2 y2 भी रख सकते हैं, पर ABC एक सिक्वेंस है, उसके ऑर्डर में हमने रख दिया। x1 y1 आप पेंसिल से आपने जो आपने आंसर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा, आप मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाएंगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर हैं। इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का, क्या फार्मूला बताया गया भैया, 1/2, पहले 1/2 लिख लीजिए, भूलिएगा मत, यहाँ पे हो जाएगा x1, बताइए फार्मूला, y2 - y3, लिखिए अपने कॉपी में फटाफट, एडवांस में लिखिए सब लोग, ठीक है। मुझे तो याद हो गया क्योंकि हमने जो ट्रिक बताया है उस पर काम कर गया है, ठीक है। आप एक गोला बना लीजिए, x1 यहाँ पे हो जाएगा y1 - y2, ठीक है, x1 x2 x3, y1 y2 y3, पहला टर्म आप 1 2 3, यानी जो ब्रैकेट में रहेगा y वाला टर्म रहेगा और जो बाहर रहेगा x का टर्म होगा। जहाँ जहाँ x1 y1 है जो वैल्यू रख देना है, विथ साइन, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्लियर हुआ। अच्छे से देखिए, सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट देना है और एक क्वेश्चन यहाँ से उठा के लेके जाना है, हर साल पूछा जाता है यहाँ से, जो क्वेश्चन बनता है वो अभी ये भी पूछ सकता है और इसके बाद जो बताएंगे वो भी पूछ सकता है। एकदम रिस्क नहीं ले सकते हम, ये नहीं कह सकते कि यही सवाल वो पूछेगा, ठीक है, तब तो भाई हम क्या है एग्जामिनर के दिमाग में जाके बैठ गए, ऐसा नहीं है पेपर आउट हो जाएगा तब तो, ठीक है। x1 की जगह क्या है, 1 है, ठीक है। y2 - y3 y2 की वैल्यू क्या है, 6 है, -y3 ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। x2 देखिए, x2 क्या है, -4 है, जब भी नेगेटिव नंबर आ जाए उसको इस तरह से रखिए। y3 - y1 बच्चा -5 - 1, देखिए ये -5, अब माइनस तो ये फार्मूले वाला है ऑलरेडी, y1 हमारा क्या नेगेटिव, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है। x3 के पास आ जाते हैं, x3 की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में भैया प्लस माइनस का बड़ा झोल रहता है। y1 - y2, y1 क्या है, -1 है, y2 क्या है, 6 है, यहाँ पर ये चीज़ रख लीजिए। अगर आप क्षेत्रफल निकालते समय नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आप उसको पॉजिटिव ले लीजिएगा, ये कह के कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक तो जब क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है, नेगेटिव होता नहीं, तो आया कैसे, तो ये जो होता है बच्चा इसके कोऑर्डिनेट की वजह से आता है, क्लियर हुआ। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता अगर त्रिभुज बनाए तो, त्रिभुज क्लियर है। इसको सॉल्व करिए क्या होगा, जो क्वेश्चन बनने वाला है इसके बाद हम बताते हैं। 6 5 कितना हो, 11 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 ही आएगा, इतना तो बहुत आसान है। -5 में से 1 घटा देंगे -4 आएगा, -4 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
-1 -6 -7 हो जाएगा, -7 का 3 -3 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 21, 21 ठीक है, 11 16 कितना हो जाएगा 27 ना, 27 और 21 कितना हो जाएगा 48, और 48 में से 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 24, क्योंकि क्षेत्रफल की बात है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ग यूनिट, ठीक है, ये आप मेंशन जरूर करिएगा, तो यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24 वर्ग यूनिट आएगा, ठीक है। अभी हमने जो फार्मूला बताया है उसको कैसे यूज़ करेंगे, कभी भी शीशों के निशांक दिए हो तो उसको आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 मेंशन कर लीजिएगा, 4 नंबर आज फिक्स करने वाले हैं, ठीक है, निशांक ज्यामिति से हर साल पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चा कि अगर दिखाना है कि 3 बिंदु संरेख हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक सीधी रेखा में हूँ, यानी x1 कॉमा y1 ठीक है, एक बिंदु बी है x2 कॉमा y2 क्लियर हुआ, और एक सी है x3 कॉमा y3, अगर दिखाना हो, क्वेश्चन में बोलता है कि दिखाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं एक सीधी रेखा में हैं, तो क्या करेंगे कि इस तीनों बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको क्या करना पड़ेगा, 0। अगर इन तीनों बिंदुओं द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो ये डिसाइड हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अगर संरेख ना होते तो त्रिभुज बन जाता, अगर मान लीजिए सी पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो हमारा तुरंत त्रिभुज बन जाएगा, जैसे त्रिभुज बनेगा वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है, भले 0.5 ही क्यों ना निकलना है, 0.001 ही क्यों ना निकल के आए, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 एक का शर्त पे होता है बच्चा, जब तीनों बिंदु क्या होते हैं एक सीधी रेखा में होते हैं, संरेख होते हैं। रिवीजन का क्लास चल रहा है पूरा, अगर आपको लेक्चर देखना है तो शुभम क्लासेज ऐप या प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 के सेक्शन में बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, समय है अभी आप कर सकते हैं, ऐसा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है, ए बी सी क्लियर हुआ। तो जब भी संरेख की बात होगी तो ये जो सूत्र है इसको तुरंत क्या कर देंगे, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला है इसको तुरंत क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है, यानी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा ही, त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कहाँ से होगी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इस पर करते हैं, इसी बेस पर बहुत बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है यही वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन में, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, यदि बिंदु ए जिसका निशांक 2.3 है, एक बिंदु बी जिसका निशांक 4.k है, एक बिंदु सी जिसका निशांक 6.-3 है, कह रहा है तीनों बिंदु क्या है, संरेख। जब ये कोलिनियर हो एक सीधी रेखा में हो तो के का मान क्या क्या होगा, ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब भी हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तीन बिंदु संरेख हों, यानी कि इसको आप x1, y1 ठीक है, इसके इसको क्या कर दीजिए x2, y2 क्लियर हुआ, और यही भी मेंशन कर दीजिए x3, y3 कॉमा रहेगा बीच में। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं ऐसा क्वेश्चन में कहा है तो के का मान ज्ञात करिए, हर बार ये सवाल पूछा गया है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक पहुँचाएंगे तो इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम क्या है सीरीज चला देंगे, ताकि आपके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, लाभदायक हो। और एक क्वेश्चन इस समय क्या है, टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ा रहे हैं हम, वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चूँकि बिंदु लिखिएगा, चूँकि बिंदु ए कॉमा बी एवं सी संरेख हैं, एक संरेख मतलब कोलिनियर होना, संरेख हैं तो क्या होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज जैसे बन जाए इसका मतलब ये होता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चा, 1/2 क्लियर हुआ, x1 यहाँ पे हो जाता है y2 - y3 क्लियर हुआ। फार्मूला देखिए, फार्मूला लिखते लिखते आप कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो क्वेश्चन का भाई अभ्यास होता है और फार्मूले भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा y3 - y1 क्लियर हुआ, x3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y1 - y2 ठीक है, हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देना है, 2 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड कर रहा है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 0 = 0 ही आ जाएगा। सब कुछ रखिए, x1 क्या है वहाँ पे बच्चा 2, y2 - y3 यानी y2 हमारा k है, इसे सर पे लिखना चाहिए, इसके कपार पे लिखना चाहिए था, k
माइनस माइनस ऑलरेडी है ये माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा के प्लस थ्री। क्लियर हुआ? एक्स टू क्या है बच्चा? फोर है, इसी में बस रख देना। वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री क्या है? माइनस थ्री। वाई वन क्या है? थ्री है, ठीक है। माइनस थ्री ये फार्मूले का माइनस, और वाई वन क्या है? ये है, ठीक है। एक्स थ्री की वैल्यू क्या है? सिक्स है, वहाँ देखिए। इसीलिए इसको सर पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्स वन एक्स टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री गलत हो जाता है बच्चों से। वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू थ्री माइनस के, ठीक है, थ्री माइनस के इसकल टू जीरो। अब यहीं से ये एक समीकरण बन गया जिसमें के नहीं पता है, और के की वैल्यू निकाली जा सकती है। टू का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे टू के थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा माइनस सिक्स, चार का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस चौबीस हो जाएगा। यहाँ पे छतरी अट्ठारह माइनस सिक्स के इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। टू के माइनस सिक्स के यहाँ पर हो जाएगा माइनस फोर के, ठीक है। अट्ठारह है और ये चौबीस है, तो अट्ठारह से चौबीस, चौबीस में से माइनस चौबीस घटाएंगे जीरो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की वैल्यू नहीं है, इसकल टू जीरो। तो माइनस फोर के, ठीक है, माइनस फोर के इसकल टू जीरो, के की वैल्यू यहाँ से आ गई बच्चा जीरो, ठीक है, के की वैल्यू जीरो आ गई। तो के की वैल्यू जीरो हो सकती है, ऐसा कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं, यानी कि जो अगर टू कॉमा थ्री है, ठीक है, फोर कॉमा जीरो हो गया, अगर सिक्स कॉमा माइनस थ्री है, ये तीनों बिंदु क्या होंगे? क्षणरेख होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। के का मान जीरो होगा, जीरो हो सकता है। के की वैल्यू जो है, ठीक है, आप रख के फार्मूले में आप निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, हर साल पूछा जाता है के का किस मान के लिए बिंदु क्या है संरेख। दो क्वेश्चन हम और आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए बच्चा, यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उससे संबंधित हम दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं। होमवर्क है, शरमाइएगा मत, नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सर आपने जो होमवर्क दिया था। यहाँ पे होमवर्क की बात करते हैं, होमवर्क में वन हो जाएगा ये, और ये दो क्वेश्चन, मात्र दो क्वेश्चन। अगर दो क्वेश्चन भी आप नहीं करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हैं, इतना तो आप समझ लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु क्या है, संरेख है, निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं, सेवन कॉमा माइनस टू, फाइव कॉमा वन, थ्री कॉमा के, ये तीनों बिंदु संरेख हों तो के का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन है कि एट कॉमा वन के माइनस फोर, टू कॉमा माइनस, यहाँ पे भी के का मान बताना है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हमने कराया, दो ठो आप कर लीजिए। आप इसके सर पे एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री मेंशन करके ही करिएगा, अदरवाइज फार्मूले पर रखने पर गलती हो जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब देख रहे हैं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और वीडियो को अंत तक देखा करिए तो जरूर आप सीख के जाएंगे। यहाँ पे एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है बच्चा, ए बी सी डी, जिसके शीर्षों के निशांक, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, पंचभुज में पाँच शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, माइनस फाइव कॉमा सेवन, माइनस फोर कॉमा माइनस फाइव, माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स, फोर कॉमा फाइव, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो चतुर्भुज का तो हम सीखे नहीं। तो होता क्या है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो अलग अलग त्रिभुज, इसे यहाँ पे क्या करिए, मिला दीजिए, दो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज नंबर वन और त्रिभुज नंबर टू, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकाल लिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज है बच्चा, हिंट हम दे दे रहे हैं, इसको आपको करना है, त्रिभुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए डी सी, दो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ए डी सी, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये, या आप एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री करके आप पेंसिल से लिखिएगा, फिर बाद में एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दोनों के क्षेत्रफल को ऐड कर लेंगे, दो अलग अलग त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग ही हमारा क्या है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये फार्मूला अलग अलग तरह से यूज होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला,
वन बाई टू ब्रेकेट में एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री ए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आप पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इस फॉर्मेट से सवाल ना पूछे गए। आपको ये सेशन पसंद आया बच्चा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, इस बात के लिए लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ले 1 लाख से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, और टाइम टेबल आ ही गया है, सब कुछ चीज़ें फिक्स हैं, हमारा लक्ष्य भी निर्धारित है, लक्ष्य पे फोकस करना हमारा दायित्व है, उसके प्रति हमारा जो कार्य है जो ईमानदारी से करना है, हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, आप कितना करते हैं ये मायने रखता है। त्रिभुज निशांक ज्यामिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम और करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।